नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा का दौर जारी है। इसी बीच मणिपुर के जीरीबाम जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। हिंसा के बाद ये पहली बार हुआ है कि पूरे राज्य में किसी जिले में दोनों समुदाय के लोगों ने शांति की बात की है। दोनों समुदायों ने शांति बनाए रखने के लिए सहमत हो चुके हैं। अशांत क्षेत्र में शांति लाने में विफल रहने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही मणिपुर की भाजपा सरकार के लिए यह पहली सफलता है। जीरीबाम जिले में गुरुवार को मैतेई और कुकी चिनजो जातीय समूह ने शांति समझौते पर साइन किया है। दो समुदायों के बीच बड़ी दुश्मनी को कम कराने शांति समझौता के लिए एक साथ दोनों समुदायों को पहली मनाना फिर बीजेपी के लिए यह सुखद पहल मानी जा रही है। दोनों पक्षों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर करके पूरे राज्य के लिए एक शांति का संदेश जरूर दे दिया है। इस शांति समझौते के तहत जीरीबाम जिले में दोनों पक्ष आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का सहयोग करेंगे और स्थिति सामान्य करने की दिशा में काम करेंगे। सरकारी सूत्रों ने इसे मणिपुर की घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में शांति वापस लाने की उम्मीद योजनाओं की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। जीरीबाम के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में गुरुवार को कुकी और हमार कम्युनिटी यानी कि मैतेई के बीच एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग सीआरपीएफ, असम राइफल्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने आयोजित कराई थी। इसी मीटिंग में दोनों पक्षों ने एग्रीमेंट पर साइन किया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये अभी एक ही जिले तक सीमित है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य राज्य में शांति बहाल कर स्थिति पहले जैसे सामान्य करना है।